कब मनाई जाएगी गंगा सप्तमी, देखे तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व कथा और पूजा विधि। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में। कृपया करके मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, आज हम जानते हैं कब है गंगा सप्तमी, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व कथा और पूजा विधि। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है। इस दिन को गंगा जयंती के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार गंगा सप्तमी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाई जाती है। गंगा सप्तमी को उत्तर भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में गंगा नदी पवित्र नदियों में से एक है, जिनकी आराधना देवी के रूप में की जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि देवी गंगा को समर्पित है। इसे जाहू सप्तमी के रूप में भी जाना जाता है। गंगा सप्तमी 2024 तिथि और समय। इस वर्ष गंगा सप्तमी 14 मई 2024 को मनाई जाएगी। गंगा सप्तमी मध्याह्न मुहूर्त, सुबह 11:26 से दोपहर 2:19 तक रहेगा। अवधि 2:53। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 13 मई 2024 को शाम 5:20 से होगा। 14 मई 2024 को शाम 6:49 पर समाप्त होगी। गंगा सप्तमी का महत्व। गंगा सप्तमी का हिंदुओं में बहुत महत्व है। गंगा को सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। देवी गंगा को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शुभ्रा, गंगे, भागीरथी और विष्णुपदी। विष्णुपदी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह पहली बार भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी। ऐसा माना जाता है कि गंगा के पानी में किसी भी बीमारी से व्यक्ति को ठीक करने की शक्ति होती है। गंगा नदी में किसी भी बीमार व्यक्ति की बीमारी ठीक करने की क्षमता होती है। जो भक्त गंगा की पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं, उन्हें पिछले पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा जल नकारात्मकता से बचाता है और शरीर और आत्मा को शुद्ध करता है। भक्त शिवलिंग अभिषेक के लिए गंगा जल का उपयोग करते हैं। गंगा जल का उपयोग मृत लोगों की अस्थियों को विसर्जित करने में भी किया जाता है ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। गंगा सप्तमी 2024 कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी गंगा पहली बार गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी थी, लेकिन ऋषि जहू ने सारा गंगा जल पी लिया। तब सभी देवताओं और भागीरथी ने ऋषि जहू से गंगा छोड़ने का अनुरोध किया। इसके बाद गंगा सप्तमी के दिन गंगा फिर से धरती पर आई और इसलिए इस दिन को जहू सप्तमी भी कहा जाता है। गंगा सप्तमी से जुड़ी एक और कहानी है। एक बार कौशल के राजा भागीरथ परेशान थे क्योंकि उनके पूर्वज बुरे कर्मों के पापों से पीड़ित थे। भागीरथ चाहते थे कि वह इससे मुक्त हो जाए, इसलिए उन्होंने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि गंगा पृथ्वी पर आएगी, उनके पूर्वजों की आत्मा को शुद्ध करेगी। लेकिन वे जानते थे कि देवी गंगा का प्रवाह सब कुछ नष्ट कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने भागीरथ को भगवान शिव की पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि वह ही गंगा के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया और इस शुभ दिन देवी गंगा पृथ्वी पर उतरी। इसलिए गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा सप्तमी पर गंगा स्नान और इसके बाद पूजा की विधि। गंगा सप्तमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं, फिर गंगा नदी में स्नान करें और यदि नदी में स्नान संभव ना हो तो गंगा जल नहाने के पानी में मिलाएं। गंगा नदी में स्नान के समय सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दें।
सूर्य अर्धे के बाद भगवान शिव का ध्यान कर उनके मंत्रों का जाप करें, फिर हर हर गंगे का उच्चारण करते हुए नदी में क्षमता अनुसार डुबकी लगाएं, संभव हो तो 3 डुबकी अवश्य लगाएं, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। माँ गंगा को दूध चढ़ाएं, फिर माँ गंगा को धूप नवेद दीप आदि अर्पित करें, माँ गंगा को गेंदे के फूल की माला अर्पित करें, नदी में खड़े खड़े गंगा के मंत्रों का जाप करें, गंगा स्रोत्र का पाठ भी करें और गंगा में स्नान गंगा से प्रार्थना करें। माँ गंगा को सफ़ेद रंग की मिठाई या अन्य खाद्य का भोग लगाएं, माँ गंगा की आरती उतारें और क्षमता अनुसार दान करें। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि गंगा सप्तमी कब है, तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, कथा और पूजा विधि। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।